एंड अभी शेयर किया है क्योंकि गाना भी आया है, क्योंकि उससे पहले भी हम लुक शेयर कर रहे थे तो बहुत वो एक्साइटिंग लग रहा था सबको, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट लुक. मैंने भी कभी नहीं किया, आई डोंट थिंक उमर ने भी पहले इतना कमर्शियल नहीं है. राइट, मतलब आई मीन इट्स मोर ऑफ लाइक कि हमने जैसा यू नो एवरी शी इज वेयरिंग अ साड़ी और मैं शर्ट और धोती में हूँ. नॉर्मल सॉन्ग में ऑब्वियसली वे कैजुअल्स है, हम लोग सूट वगैरह में, तो थोड़ा सा इट्स अ डिफरेंट फील. कुछ मोमेंट बताना चाहोगे धोती, हाउ डिड यू कैरी इट? धोती का ऑब्वियसली मतलब बहुत मुश्किल, एक तो मुझे पता नहीं था धोती के अंदर भी कुछ पहनना होता है, मैं तो आई वॉज लाइक शर्ट सिर्फ धोती पे, मतलब ऑब्वियसली आई वॉज वेयरिंग, बट ये होता है कि बाइक का शॉर्ट था और वो धोती को कैसे करना है और बाइक पे चढ़ना है, तो वो बड़ा मुश्किल था. और थोड़ी धूप भी थी तो काफ़ी जगह मेरे को गर्मी भी लगी, मतलब जब बाइक की सीट मेरे पे लगी तो काफ़ी दिक्कत हुई मेरे को. उमर से खुद उमर खुद को नहीं संभाल पा रही थी, और फिर कुछ शॉर्ट्स इसमें गोद में उठा के घूम रहा था, उसमें उमर की शक्ल देख रही थी. हाँ एक्चुअली इनको उठा, एक शॉर्ट है जिसमें मेरे को घुमाना था और मेरे ऊपर से धोती है और वो तो काफ़ी स्ट्रगल था. इसके अलावा बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं यार? मैं तो कर रही हूँ, मैं इनकी तरफ देख रही थी कि एक्स कंटेस्टेंट ज्यादा फॉलो करते थे. मैं कर रही हूँ, एक्स हो गया वो आई थिंक कम ही करते हैं. अच्छा वो नहीं ज्यादा करते, मतलब ऑब्वियसली अगर उनको कमेंट में मतलब वो कमेंट वगैरह डालना हो नहीं वो तो मेरे को, अगर आपको बुलाया गया तो फिर से मैं वो क्रिटिक बनता नहीं, मतलब ठीक है मुझे पता है वहाँ पे कितना मुश्किल होता है. कनिका जी आप फॉलो कर पा रहे हो? मैं डेफिनेटली कर रही हूँ, एंड आई थिंक ये पहला सीजन है जो मैं सर रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ बिकॉज ऑफ प्रियंका, क्योंकि मुझे बोल के गई थी तू मेरे को सब बताएगी, सारी खबर बताएगी, एंड शी इज डूइंग सो गुड, आई एम सो हैप्पी एंड आई होप शी विंस. डू यू थिंक शी इज प्लेइंग वेरी वेल अंकित और प्रियंका की जो जिस तरह की केमिस्ट्री लोगों को नजर आ रही है, आप कुछ? उनकी केमिस्ट्री हमेशा से बहुत अच्छी थी, उन्होंने साथ में शो किया है एंड काफ़ी लंबा चला है शो, एंड अदरवाइज ऑफ स्क्रीन ऑल्सो बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो उनकी केमिस्ट्री हमेशा से अच्छी थी, एंड वो स्क्रीन पे भी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है. अभी रिसेंटली जो बर्थडे वाला एपिसोड था अंकित के, आई रियली लाइक्ड हाउ प्रियंका टुक दैट सो नाइसली. अब्दू को भी लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं. अब्दू, यस अब्दू इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. प्रियंका के लिए तो मैं थोड़ी सी बायस हूँ ना, मेरी दोस्त है, बट ऑफकोर्स अब्दू भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ही लुक सो क्यूट, वो जब बात करते हैं इतना मज़ा आता है. सो ऑफकोर्स अंकित, अंकित बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मुझे पसंद है अंकित बहुत, लेकिन जब वो एक लाइन थी ना अब्दू आके बोलते हु इज टॉकिंग, अंकित टॉकिंग, ओ प्लीज, आई वाज लाइक ओ शिट ये क्या बोल गया. इसके अलावा चर्चा होती रहती है जोड़ियों में, आपकी भी चर्चा हो रही थी जब आप घर गए थे, टीना और शालिन की भी चर्चा हो रही कपल एज ए कपल, आज आपके उम्र जैसा हैशटैग निकल रहे, इस जैसी चर्चाओं को क्या क्या किस तरह से? नहीं अच्छा, आई थिंक ऑब्वियसली लोगों को पसंद आते हो, ऑब्वियसली आपका फ्रेंडशिप पसंद आता है, आपकी केमिस्ट्री अच्छी लगती है, तो लोग आपको शिप साथ में करते हैं, और अंदर आपको पता भी नहीं होता है कि बाहर क्या चल रहा है, आप बस यू नो यू जस्ट ट्रस्ट पीपल एंड यू गो विद देम, और बस वो नेचुरल सा फीलिंग होता है दोस्ती का. But don't you think that you are hurting उमरस फैन? और भैया कुछ प्रोजेक्ट नहीं आ रहे और काफ़ी लोग, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट अब आना होगा, आई एम श्योर आएगा, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम श्योर रश्मि की तरफ से भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सो ऑब्वियसली कोई सॉन्ग होगा जो एप्रोप्रिएट होगा तो ऑब्वियसली आएगा, इसमें कोई लास्ट इज स्टिकिंग बैक टू द सॉन्ग, थैंक यू, यस वापस टू द सॉन्ग, स्टिकिंग बैक टू द सॉन्ग. इसके अलावा कनिका, उमर, आने वाले समय में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट किसके साथ कुछ बताना चाहोगे? कनिका ने तो काफ़ी गाने आ रहे होंगे. हाँ कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं रिलीज पे, कुछ चीज़ें वो तो आप लोग तब होंगे ही साथ में, एंड जो कर रही हूँ वो जल्दी बताती हूँ. वन पंजाबी मूवी इज आल्सो गोइंग टू कम, कुछ चर्चा हो रही है उसकी, कुछ सब खबर है, बताना चाहोगे? वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? से इतना ही कि वो एक लड़की की ही कहानी है, वो काफ़ी सोशल मुद्दा है जो आई थिंक लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, सो वो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स को लेकर एक कहानी है, तो आई नो कि जब वो आएगी तो लोगों को बहुत पसंद आएगी. उमर व्हाट अबाउट यू, कोई आपके जी प्रोजेक्ट जो आई मीन जो होगा, आई एम श्योर यू गाइज विल बी अ पार्ट ऑफ इट, अभी तो बस ये है कि आज ये गाना रिलीज हुआ है, आई एम जस्ट एक्साइटेड, और अभी थोड़ा आई मीन और भी ऊपर हमने यू नो वी विल हैव टू डू सम वर्क, सो ऑल आई वांट टू से इज थैंक यू गाइज, आप प्लीज वॉच द सॉन्ग और खूब सारा प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू गाइज. नहीं देखी है कैसे पांडे साहब ऐसे आ
उमर भाई उठा लो अभी, उठा के ले चलो। मैं कहूँ क्या? कोलैबोरेशन की चप्पल तो नहीं है। किराए की भाड़े की तो नहीं। बाकी कुछ डालेंगे डालेंगे। ये तो जरूर डालेंगे। चप्पल वाला जरूर डालेंगे। अभी कौन अपने जूते देकर जाएगा? मना। भाग रहा है। अरे यार वो सेट से ज्यादा तो ठीक था। ये तो कलोल हो गई तो। मां जी चप्पल टूट गई तो। ये पांडे आ जा। ओके गाइस बाय बाय।